गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के बारे में। जैसे कि इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में। अब ये किस तरीके से काम करते हैं, कैसे इनकी वजह से कैंसर होता है, ये चीज हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन्कोजीन्स के बारे में, और ऑन्कोजीन्स के बारे में बात करने से पहले हमें एक और जीन के बारे में पता होना चाहिए जिनको प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन, इनके नाम में भी कहीं ना कहीं ऑन्कोजीन है। तो देखिए, प्रोटो ऑन्कोजीन्स कौन से होते हैं, जो सेल को नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए रहते हैं। लेकिन अगर इन प्रोटो ऑन्कोजीन में कोई म्यूटेशन आ जाता है, तो उस म्यूटेशन की वजह से ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकते हैं। और म्यूटेशन कैसा होना चाहिए, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होना चाहिए। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का मतलब है कि ये जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, ये बहुत सारे प्रोटीन्स बना रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स बना रहे हैं। क्योंकि देखो, जीन्स का काम क्या होता है, प्रोटीन्स बनाना। तो यहां पर अगर इनका गेन ऑफ फंक्शन हुआ है, तो ये बहुत सारे प्रोटीन्स बनवाएंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स बनवाएंगे, तो बहुत सारा सेल डिवीजन करवाएंगे, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो यहां पर प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कैसे कन्वर्ट होते हैं, अगर मैंने प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन कर दिया है और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, तो वो ऑन्कोजीन में बदल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये यहाँ पर नॉर्मल सेल था जिसके पास म्यूटेशन नहीं थी, और यहाँ पर अगर इनमें म्यूटेशन आ गई तो सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड करे और यहाँ पर कैंसर हो सकता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि ये जो ऑन्कोजीन्स होते हैं डोमिनेंट मैनर में वर्क करते हैं। कहने का मतलब है, हम सबको पता होगा कि हमारे पास दो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक मम्मी से आता है, एक पापा से आता है। समझो, अगर मैं फर्स्ट क्रोमोसोम बोल रही हूँ, तो फर्स्ट क्रोमोसोम के यहाँ पर मेरे पास दो कॉपी, एक पिताजी से आई होगी और एक माताजी से आई होगी। इन दोनों के पास से यहाँ पर सेम जीन के लिए अलील प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर अगर एक क्रोमोसोम के भी अलील में म्यूटेशन हो गया है, तो वो मोर देन सफिशियंट है कैंसर कॉज करने के लिए। यानी कि एक अलील में म्यूटेशंस भी काफी है प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन बनाने में और कैंसर कॉज करवाने में। तो यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट मैनर बोलते हैं। आप यहां पर देख भी सकते हैं, अगर एक में भी गेन ऑफ फंक्शन हो गया, सिंगल कॉपी में भी म्यूटेशन हो गई है, तो वो कैंसर की तरफ सेल को ले जा सकता है। इसको हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन्स कहते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में देखिए, तो नाम से ही पता चल रहा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, इनका काम होता है ट्यूमर को सप्रेस करना। यानी कि ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर कैंसर को रोकने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, जैसे ये सेल में अगर कोई भी गड़बड़ लगती है, तो सेल का अपोप्टोसिस करवा देते हैं, यानी कि सेल की डेथ करवा देते हैं। ये सेल डिवीजन को रोक देते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ लगती है, सेल साइकिल को रोक देते हैं, यानी कि सेल को आगे बढ़ने ही नहीं देते अगर इनको कुछ भी गड़बड़ लगती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल भी है, P53 यहां पर बेस्ट एग्जांपल है। अब यहां पर अगर मैं ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन कर दूं, और ये म्यूटेशन कैसा होना चाहिए, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होना चाहिए, यानी कि ऐसा म्यूटेशन जिसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये काम करेंगे तो कैंसर को रोकेंगे, अगर ये काम नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में यहां पर ये अपोप्टोसिस नहीं करवा पाएंगे, ये सेल डिवीजन को रोक नहीं पाएंगे, तो सेल एबनॉर्मल सेल डिवीजन शो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कैंसर हो सकता है। अब यहां पर ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन से, इनमें रिसेसिव मैनर में म्यूटेशन होता है। कहने का मतलब है, इनमें अगर दोनों अलील में म्यूटेशन होगी, तभी यहां पर कैंसर हो सकता है। कहने का मतलब है, यहां पर आप देख सकते हो कि अगर एक अलील भी म्यूटेटेड है, तो दूसरा अलील नॉर्मल है, दूसरा अलील नॉर्मल है तो वो नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है, नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है, तो वो ट्यूमर सप्रेसर कर पा रहा है। लेकिन अगर दोनों ही अलील म्यूटेट हो गए हैं, तो इस कंडीशन में कोई भी फंक्शनल ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस नहीं करवाया जा पा रहा और कैंसर नहीं रोका जा पा रहा। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या होता है, रिसेसिव मैनर में ट्यूमर सप्रेसर जीन्स वर्क करते हैं, और वही ऑन्कोजीन्स जो है वो डोमिनेंट मैनर में काम करते हैं। अगर एक प्रोटो ऑन्कोजीन भी म्यूटेट हो गया, एक अलील भी म्यूटेट हो गया है, तो वो सेल डिवीजन एबनॉर्मल करवाएगा। लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में जब दोनों अलील्स म्यूटेट होते हैं, उस कंडीशन में यहां पर जो है इनका फंक्शन रुक जाता है, और फिर यहां पर ये कैंसर को नहीं रोक सकते, सेल डिवीजन को नहीं रोक सकते, एपोप्टोसिस नहीं करवा सकते।
सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन के बीच में डिफरेंस. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.